हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। HSSC ने किया खेला, अभी CET के लिए PMT होने जा रही है। 10-12 तारीख से आपका शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है जिसमें PMT होगी। PMT के लिए इन्होंने 10 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। HSSC ने शॉर्ट लिस्ट किया है, उस शॉर्ट लिस्ट में जो टॉपर बच्चे हैं उनको PMT के लिए बुलाया है। लेकिन जो उस PMT में बुलाए हैं कैंडिडेट, इन्होंने खुद ने कट ऑफ लिस्ट जारी करी है कि हमने भाई इतने नंबर से ज्यादा वाले लोगों को PMT में बुला लिया है। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे ऐसा भी है जिसके नंबर कम है लेकिन वो PMT में बुलाया गया है। वो क्लैरिकल मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो मुझे नहीं पता। और ये जो अपडेट दी है ये एक कैंडिडेट ने दी है। हालांकि मेरे पास ऐसे मैसेज बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं लेकिन मैं सभी की यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हो सकता है HSSC की मिस्टेक हो सकता है HSSC का पैटर्न सही हो, हमें देखने में गलत लग रहा हो। यहाँ पे जो चीजें सामने नजर आ रही है देखने से, यूजर के नजरिए से या कैंडिडेट के नजरिए से, प्रूफ के साथ उसने मेरे पास भेजा है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो रखा है, क्या गलत है, क्या सही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट जरूर करना है कि ये बच्चा सही है, मतलब बच्चे की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो HSSC ने ही रिजल्ट निकाला है, HSSC ने ही उसका नंबर डाला है, HSSC ने ही कट ऑफ जारी करी है, यहाँ पे तो यूजर की गलती ही नहीं है, कैंडिडेट की गलती ही नहीं है। हालांकि मेरे पास तो कम से कम 200 मैसेज ऐसे आ रखे हैं कि सर मैं तो एज की कंडीशन को पूरा नहीं करता लेकिन मेरा नाम आया हो PMT में। सर मेरी तो ये दिक्कत है लेकिन मेरा PMT में फिर भी नाम आया हुआ है। सर मैंने नंबर हटाए थे, मेरा PMT में नाम आ गया, मेरे को देने जाना चाहिए, नहीं जाना। 150 से 200 बच्चों के मैसेज ऐसे आए हुए हैं मेरे पास लेकिन मैं सभी की वीडियो नहीं बना सकता। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और इस वीडियो को मैं भी शेयर करूंगा चेयरमैन सर के बाद। हो सकता है कोई ग्लैरिकल मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो और इस गलती को सुधार लिया जाए। आप लोग चाहें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहां आपका मन करे। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर की। किसकी मैं बात कर रहा हूं? फॉरेस्ट रेंजर की मैं बात कर रहा हूं सब एग्जाम्पल में, फॉरेस्ट रेंजर की। ये ग्रुप नंबर 7 है, कैटेगरी नंबर 102, पोस्ट का नाम क्या है जी? फॉरेस्ट रेंजर है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर PMT, तो जनरल कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीचे कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी है? 76, यानी कि 76 जिसके नंबर हैं, 76 है, 76.50 है, 77 है, 80 है, 85 है, उन सभी को जिन्होंने पोस्ट अप्लाई कर रखी है फॉरेस्ट रेंजर की, उन सभी को PMT के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब ये है, क्लियर है जी? यानी कि कोई भी बच्चा यहाँ पे जो इसका अभी जहां पे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट डाल रखी है कि इन इन बच्चों का फॉरेस्ट रेंजर के लिए PMT है, वहां पे भी किसी भी बच्चे का जो स्कोर है वो 71 नहीं होना चाहिए, वो 72 नहीं होना चाहिए, वो 73 नहीं होना चाहिए, 76 या 76 से ऊपर ही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तभी तो वो कट ऑफ में आया है। 76 नंबर है तो ही उसका नाम वहां पे मिलना चाहिए। जो HSSC ने लिस्ट जारी करी है कि इन इन बच्चों को फॉरेस्ट रेंजर की डीवी के PMT के लिए आना है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। यहां पर दोस्तों एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा है, जब आप थोड़ा सा माइंड माइंड लगाओगे तो आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पे इस फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट रेंजर की यहाँ पे बात कर रहा हूं, ये कौन सी लिस्ट है जो HSSC ने जारी करी है कि भाई इन इन बच्चों को फॉरेस्ट रेंजर के पद के लिए PMT के लिए आना है, ये सिलेक्ट हो गई हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर जितने भी रोल नंबर है उन सभी को किससे ऊपर होना चाहिए? यदि जनरल का बच्चा है तो 76 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे एक रोल नंबर ऐसा है जो, या रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा है जो जनरल कैटेगरी से है, उसके नंबर 71 हैं, उसका रोल नंबर इसके अंदर है। कट ऑफ कितनी है जनरल की? 76 है।
लेकिन यहां पे रोल नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चे का ऐसा भी है जिसके नंबर 71 है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, एक मिनट, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है आपके पास? एक बार आवाज बताना आप सभी, एक बार आवाज बताओ सभी साथी। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, एक मिनट, यहां पर देखिए आप, ये कैंडिडेट की गलती नहीं है, HSSC की गलती है। 3593 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी का, यहां पे उसकी डिटेल थी, नाम वाम है मैंने हटा दिए हैं। यहां पर कैटेगरी देखिए जनरल दिख रही होगी आपको, कौन सी कैटेगरी है? जनरल है। जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो HSSC ने लिखा हुआ है वो चीजें बता रहे हैं। नंबर कितने हैं? 71.62। यहां पे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का कोई नंबर नहीं है, जीरो नंबर है, यानी कि इसका स्कोर कितना है? 71.62 है। कैटेगरी कौन सी है? जनरल है। यदि ये 3593 उस लिस्ट के अंदर ना रजि, यहां पे देखिए ये रहा, ये 3593 फॉरेस्ट रेंजर, 3593 इसकी कैटेगरी कौन सी है? जनरल है। ये कैटेगरी हमें कहां से पता चली? जो HSSC ने डिटेल रिजल्ट बताया है उसके नंबर हमें कहां से पता चले? जो HSSC ने डिटेल रिजल्ट बताया है। इस पद के लिए हमें कट ऑफ लिस्ट कहां से पता चली? जो HSSC ने बताया है। HSSC ने कट ऑफ लिस्ट कितनी बताई? 76 नंबर बताई। लेकिन यहां पे तो रोल नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चे का उसका भी है जिसके नंबर 71.65 है। ये कैसे संभव है? इसके अंदर मिस्टेक है, देखने से ऐसा ही लग रहा है। अब HSSC के क्लैरिकल मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो अब HSSC जब इस चीज का निचोड़ करेगी तब पता चलेगा। बाकी HSSC ने खेला कर रखा है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये देखो जी मैं तो वैलिड था, मेरा नाम नहीं आया, ये मेरा पोस्ट भी अप्लाई है, मैंने सब कुछ कंडीशन को पूरा करता हूं। ऐसे ही बच्चे हैं, मैंने तो नंबर हटवा रखे जी, और मेरे नंबर हटाए नहीं, नंबर प्लस होने के बावजूद मेरा नाम इसमें आ रहा है, PMT में मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? यानी नंबर ऐड होके रिजल्ट आया हुआ है, दिखाया हुआ है, नंबर उसने हटवाए थे 5, और उसके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर मिला के जो कट ऑफ बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आ गया PMT में, अब वो जाए या ना जाए, ये मामला है जी आपका। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और मैं HSSC चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी ये वीडियो तो मैं फॉरवर्ड कर ही दूंगा, आप भी पहुंचा सकते हैं यदि आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, और जिस भी कैंडिडेट ने मेरे पास ये डाटा भेजा है उसने सही निचोड़ निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, तो HSSC अपनी गलती को सुधारे यदि उसने गलती कर रखी है तो। HSSC कोई गलती नहीं है तो समझाए कि किस तरीके से ऐसा हो रखा है कि जनरल का 71 नंबर वाला बच्चा जहां पे कट ऑफ 76 है वहां पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिखा हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।